हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यदि हम एयरटेल या एयरटेल थैंक्स ऐप को यूज करते हैं और हमने उस पर अकाउंट बनाया है तो उसमें एक नया फीचर भी होता है डेटा बैकअप का, यानी हम एयरटेल के सर्वर को यूज करते हुए एयरटेल सर्वर पर अपना डेटा भी रख सकते हैं बैकअप के लिए। तो हम कैसे डेटा को बैकअप में लाते हैं या अपने मोबाइल डेटा को कैसे बैकअप की तरह यूज करते हैं एयरटेल ऐप पर, यह ऐप ओपन हो चुका है। उसके बाद नीचे कॉर्नर पर लिखा हुआ है मोर, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर लिखा हुआ है माई एयरटेल, इसे ओपन करेंगे तो ये ओपन हो चुका है। तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एयरटेल बैकअप, इसे ओपन करेंगे और ये ओपन हो चुका है। तो हमारी जो फाइलें हैं जो हमारे मोबाइल में है, म्यूजिक, फोटोज, वीडियोज, तो इन सभी फाइलों को हम जो एयरटेल का सर्वर है उस पर अपलोड कर सकते हैं और इनका बैकअप ले सकते हैं। यानी कभी यदि हमारा डेटा क्रैश करता है तो हम एयरटेल का सर्वर से उस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो म्यूज़िक, फ़ोटो या किसी को भी हम डेटा बैकअप के लिए यूज कर सकते हैं। मान लिया हमने म्यूज़िक को सिलेक्ट किया, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है बैकअप नाउ या स्किप फॉर नाउ, तो हम बैकअप नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमने बैकअप के लिए म्यूज़िक ऐड कर दिया है। अब हम देखते हैं कि बैकअप के लिए अपलोड हो रहा है या नहीं। तो ऊपर देखिए अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा डेटा अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो इस प्रकार हम अपने मोबाइल डेटा को एयरटेल सर्वर पर अपलोड करके उसका बैकअप यूज कर सकते हैं।